व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आर यू वीर? वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आपके परिवार को भी, आपके यार दोस्त रिश्तेदार सबको मेरी तरफ से आप लोगों स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरीके से आप लोगों को अपने ऊपर फोकस करके चलना है। एक तरीके से अगर कुछ भी छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन आप लोग देश के लिए आप लोग कर सकते हैं तो उसमें जरूर कीजिए। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, इवन अपने देश में गंदगी न फैलाना, अपने देश को स्वस्थ रखना, अपने देश को स्वच्छ रखना, तो ये भी एक तरीके का आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। तो जिंदगी में ऐसा नहीं है कि सरहद पर जाकर लड़ाई कर ही आप लोग देश की सेवा करोगे। देश के अंदर रहते रहते भी आप लोग बहुत तरीके से देश की सेवा कर सकते हो। इवन आप लोगों को लगता है आप लोगों के पास में वीक में आधा घंटा बचता है तो आप लोग किसी को पढ़ा सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि यार आज की डेट में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन मिले, तो उसके लिए आप लोगों को जो भी करना अच्छा लगता है आप लोग उसको अपनी एक तरीके से लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, जिससे किसी को थोड़ी हेल्प भी हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग अगर अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो प्रोडक्टिव चेंज हमेशा जो है वो आराम आराम से आते हैं, पर लेकिन जब आते हैं तो जिंदगी भर आप लोगों के साथ में रहते हैं और आप लोगों की लाइफ को काफी प्रोडक्टिव और काफी इफेक्टिव बनाते हैं। इससे आप लोगों की तो लाइफ सुधरती है, दूसरों की भी लाइफ सुधरती है। देख, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग ना लोगों की हेल्प करते हुए पाए जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि लोगों की हेल्प वो क्यों करते हैं? कई बार ना लोगों को अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, अंदर से एक तरीके से उनको अच्छा लगता है। आप लोग सोचे कोई बिलियनर आदमी है जिसके पास में करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो इंसान किसी की हेल्प क्यों कर रहा है? आखिर क्या उसको ऐसा लग रहा है? देखिए, किसी की हेल्प करने से ना जो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, अगर कोई पर्टिकुलर किसी चीज की रिक्वायरमेंट में कोई पर्सन है, इवन चाहे कोई ब्लड डोनेट कर रहा है, इवन चाहे किसी को किताब डोनेट कर रहा है, इवन चाहे कोई किसी को एडमिशन दिला रहा है स्कूल में, कोई किसी की हेल्थ में उसकी प्रॉब्लम को दूर करने में प्रॉब्लम किसकी हेल्प कर रहा है, एक तरीके से हेल्थ से रिलेटेड उसको कोई इशू है तो उसमें उसको गाइड कर रहा है। तो ये एक तरीके से कई सारे तरीके से आप लोग जब इसको देखोगे तो आप लोग को ये चीज देखने को मिलेगी कि इंसान को अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसलिए वो ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि हर टाइम उस चीज के पीछे कोई ना कोई हिडन मोटो होगा कि वो ये काम कर रहा है। कई बार इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सबसे ऊपर होता है। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए और कोशिश कीजिए कि जिंदगी में अपने आप को तो इस लेवल पर लेकर जाने की सारी चीजें आप लोगों के पास में हो, पर साथ ही साथ में सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन आप लोगों को देना है ताकि जो लोग हैं उनको भी फायदा हो सके। क्योंकि जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज को हम लोग को इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाना है, ये हमारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कुछ बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बाकी आज का पहचानो कोने में एक ऐसा पिक्चर है जिसको आज की डेट में पूरा देश का पूरा दुनिया पहचानता है, नाम बताइए चलिए इनका। ये आज का पहचानो कौन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस वीक में जो कोई पर्सनैलिटी न्यूज में रही तो वो थे ये। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग लिखिए। या कोई ऐसा है जो नाम नहीं जानता है? अगर नहीं जानते तो ये गलत बात है। ठीक है, आप लोगों को जानना चाहिए। ओके, आइए आगे बढ़ेंगे, कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जानेंगे एक एक कर। आज कोई देखिए संडे होता है तो संडे को फंडे के साथ में थोड़ा सा स्टडी डे भी आप लोगों को बना लेना चाहिए। और आप लोगों की जो जुलाई मंथ की करंट अफेयर की जो वीडियो है वो आप लोगों को कब चाहिए, उसको शाम को डालूं या फिर 11 बजे डालूं, मतलब क्या टाइम सही रहेगा आप लोगों के हिसाब से मुझे टाइम बता दीजिएगा, या फिर शाम को उसको 4 बजे डाल दूं, 4 से लगभग 5:30-6 बजे तक आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिन के टाइम पर सेलिब्रेशन चलेंगे सबके एक तरीके से ना, कि अपना 15 अगस्त सेलिब्रेट करें शाम तक, फिर आकर अपना थोड़ा फ्री हो जाएंगे। तो ये आप लोगों से लग रहा है फिर 11 बजे, तो आप लोग बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, तो वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं बेसिकली एक तरी रिकॉर्ड करनी है, पीपीटी सारी तैयार कर ली है मैंने कल, मतलब 2 दिन में बैठ के आराम से। तो टेंशन मत लेना, कई सारे बच्चे बोले थे कि सर कई सारे एग्जाम आ रहे हैं प्रोवाइड करा दो, तो ये आप लोगों की सारी करंट अफेयर कवर हो जाएगी इस तरीके से अब तक की। ठीक है, मई 2020 से लेके अब तक की जुलाई 2021 तक की सारी करंट अफेयर मंथली में कवर करा चुका हूं, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा आराम आराम से, अपना अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक सबसे बड़ी खबर जो कल आप लोगों को देखने को मिली वो थी यहाँ पर 14 अगस्त को हमारे देश में कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो पाकिस्तान में जो आज की डेट में यानी कि जो 14 ये अगस्त है ये इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे द्वारा क्या बोला गया, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर जब ये ट्वीट किया गया तो इसमें बोला गया कि देखिए 14 अगस्त जो था एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं काफी दर्दनाक घटना था जो कि भुलाया नहीं जा सकता। इसकी वजह से काफी नफरत और काफी हिंसा देश के अंदर देखने को मिली, काफी सारे जो लाखों भाई बहन जो थे वो एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर उनको छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, तो उसी के चलते इनके द्वारा यहां पर बोला गया
पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, यानी कि एक तरीके से जो हॉरर की नाइट थी उसको रिमेम्बर करके हम लोग को एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे को प्रेरित करना है, एकता बढ़ानी है सोसाइटी में, मिलजुल कर एक दूसरे को, मतलब सोसाइटी को भी, और एक मानवीय संवेदनाएं भी आप लोगों को मजबूत बनानी है। हिंदी में इसको बोलेंगे विभाजन, VBC का स्मृति दिवस, ठीक है। तो ये हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे इसको पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो 14 अगस्त को अब से यहां पर इसको सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है और इसके बारे में आइडिया भी रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान की साइड से भी काफी बड़ा क्रिटिज्म एक तरीके से निकल कर आया। पाकिस्तान के यहां पर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि इंडिया के जो लोग हैं वो इसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो डे है एक तरीके से कहीं ना कहीं डिविजन की याद दिलाता है, उस तरीके से बातें बोलने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान में इसको एक सेलिब्रेशन की तरीके से देखते हैं और हम लोग इसको एक दुख की तरीके से देखेंगे। कहीं ना कहीं आप लोग बोल भी सकते हैं यार, मैं पर्सनली अगर मुझे बताऊं तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता अगर बोले कि 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि इंडिया का गुलाम था पाकिस्तान और इंडिया से आजाद हो गया पाकिस्तान, तो उसको हम लोग इसको पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जबकि अलग से देखा जाए तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, ना कि इंडिया का गुलाम था पाकिस्तान, ठीक है। तो वो गलत तरीका है देखने का, कहीं ना कहीं उसको वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके चलते मुझे पर्सनली ये चीज का पहले भी मैंने कई बार पढ़ी इसके बारे में, जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, NCERT वगैरह देखना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पर ही मुझे ये चीज फील हुई थी। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का गुलाम था, अब आजाद होकर बड़ा खुश हो रहा है, तो वो वाला सेलिब्रेशन चल रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था कि अंग्रेजों से आजाद हुए हम लोग, वो वाला सेलिब्रेशन होना चाहिए था। पर लेकिन कुछ और ही था जो भी हिस्ट्री में, पर लेकिन हाँ ये बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में कुछ शब्द आप लोग लिखना चाहेंगे, 40 से 50 शब्द अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। देखता हूं कौन कौन क्या क्या लिखता है, कई सारे बच्चे काफी अच्छे से लिखते हैं चीजों को, तो आप लोग भी इसको पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। एक काफी इंपॉर्टेंट आज ये डिसीजन जो यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यह केजरीवाल साहब के द्वारा देशभक्ति करिकुलम। तो ये भी एक अच्छा तरीका लग रहा है एक तरीके से बच्चों के अंदर अपनी देश के बारे में चीजों को पहुंचाने का, क्योंकि बच्चे अगर चीजों को समझेंगे स्टार्टिंग से ही उनके अंदर देशभक्ति की भावनाएं रहेगी तो ये काफी अच्छा रहेगा। इसराइल में अगर आप लोग देखिए आज के डेट में ये है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है फैमिली का, उसको एक तरीके से नहीं कि एक बार जिंदगी में उसको आर्मी में सर्व करना है, तो कई सारे तरीके हैं अलग अलग कंट्री के, अलग अलग तरीके से देशभक्ति को अपने एक तरीके से बच्चों के अंदर फीड करने का, ताकि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं जगे। तो यही बात यहां पर बोली गई है केजरीवाल साहब के द्वारा कि आजादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके चलते उनके द्वारा देशभक्ति करिकुलम ये लाया गया है, यानी कि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ में देशभक्ति की भी क्लास पढ़ेंगे अब यहां पर, ठीक है। तो एक तरीके से बिहेवियर चेंज करने की बात की जा रही है स्टूडेंट की, ताकि अपने देश के बारे में वो सोचे समझे और उसको सही तरीके से हम लोग लेकर चले। कहने का मतलब यह कि आज की डेट में भी कई सारे फ्रीडम फाइटर के नाम अगर पूछोगे ना आप लोग जो बेसिकली बच्चों से, तो वो नहीं बता पाएंगे। कई सारे इंसानों के नाम जिनकी वजह से आज के डेट में हम लोग आजादी की सांस ले रहे हैं उनके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो वो सारी चीजें कम से कम एक तरीके से बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप लोग को ये मिल रहा है, ये आजादी की सांस जिंदगी आप लोग जी रहे हैं सारी, ये फ्री नहीं है, किसी ने इसके लिए अपनी जिंदगी देकर आप लोगों को ये बेसिकली कॉस्ट पे की है। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि कंट्री के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बने। 3 प्राइमरी गोल है यहां पर, एक तो फीलिंग प्राइड होनी, एक तरीके से प्राइड नहीं, एक तरीके से एक गर्व की फीलिंग आनी चाहिए अपने देश के लिए कि यार हम लोग इंडियन हैं, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को गर्व की फीलिंग आनी चाहिए। एक तरीके से अवेयरनेस होगा यहां पर कंट्री के लिए कि हाँ हमारी कंट्री में क्या क्या चीजें हैं, अगर हम लोग अच्छाई देखने बैठेंगे तो दुनिया भर की अच्छाई अपने देश में देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग एक तरीके से नेगेटिव चीजें देखने को मिलेंगे तो वो वही बात है यार जो हजारों साल पहले भगवत गीता में बोला गया था कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा आप लोग किसी चीज को देखना चाहते हैं वैसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो नहीं कहते कि इंसान की एक तरीके से इंसान की आंखों में सुंदरता होती है देखने वाले की, यानी कि एक तरीके से किसी चीज को आप लोग कैसे देख रहे हैं वो उसकी आंखों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से देखना चाह रहे हो। नहीं आधा गिलास, एक गिलास में आधा पानी है तो एक बोलेगी आधा भरा हुआ है यार, एक बोलेगी यार ये तो आधा खाली पड़ा है, तो वही बातें हो जाती है थोड़ा, ठीक है। तो उसको बेसिकली समझना चाहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि एक तरीका कमिटमेंट होना चाहिए कि सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, कि आप लोगों को लोगों कुछ सैक्रिफाइस करना है कंट्री के लिए तो आप लोगों का कमिटमेंट होना चाहिए, हाँ यार ये इतना तो कर सकते हैं, यानी कि देश के लिए आप लोगों को तैयार रहना है हमेशा, तो वो वाली भावनाएं बच्चों के अंदर कम से कम आनी चाहिए। वरना आज की डेट में ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ अच्छा खासा एक लाइफ में अचीवमेंट कर लिया, अगर उसको मौका मिल रहा है तो देश छोड़कर भाग गया। आप लोगों को पता है ध्यानचंद जी को जर्मनी की साइड से काफी बड़ा ऑफर मिला था कि आप जर्मनी की साइड से खेलो इंडिया को छोड़कर, पर बंदे ने ना बिल्कुल साफ रिजेक्ट कर दिया, समझ रहे हैं आप लोग। वरना अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जी सकते थे उस टाइम पर, हमारी कंट्री क्या थी, हमारी कंट्री तो अंग्रेजों के गुलाम थी,
पर लेकिन जर्मनी में समझिए आप लोग, पर फिर भी उस टाइम पर भी सैल्यूट करने वाली यार बात है ये, आराम से अगर इसको ढंग से समझा जाए तो। ठीक है, तो जैसे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ते हैं उसी तरीके से अब यहां पर आजादी के 70 साल बाद यहां पर टीचिंग के अंदर आप लोगों को देशभक्ति भी देखने को मिलेगी जो कि एक पार्ट बनाया जा रहा है। तो रियलिटी में सैल्यूट करने वाली बात है यहाँ पर, इस तरीके से अगर बच्चों के अंदर हम लोग देशभक्ति की भावनाएं जगाएंगे तो इसके चलते बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जो यंग जो चाइल्ड है उसके अंदर काफी सारी अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। 5 स्टेज पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो डिस्कशन किया जाएगा क्लास के अंदर में, जो टीचर इनिशिएट करेगा, यानी कि टीचर स्टार्ट करेगा, क्योंकि टीचर एक तरीके से मीडिएशन का काम करेगा बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में, उनमें खुद में भी डिस्कशन हो, अपने आप में वो फील भी करे यार हाँ ये चीजें हैं देश के अंदर, पहला तो ये होगा। दूसरा होगा कि एक क्लास जो क्लासरूम के अंदर डिस्कशन होगा यहाँ पर अमंग द स्टूडेंट, ठीक है, जो कि स्टूडेंट के साथ जो आपस में स्टूडेंट करेंगे, तो टीचर करेगा डिस्कशन बच्चों के साथ में, ठीक है, इसी के साथ में बच्चे करेंगे बच्चों के साथ में, पर लेकिन टीचर फैसिलिटेट करेगा, यानी कि ऐसा ना हो कि वहां पर पार्लियामेंट की तरीके से झगड़ रहे हैं बैठ के, ठीक है, गांधी जी तो ये थे और ये तो वो थे यार तुमने क्या जानते हो, तो ये सारी चीजें जो है उससे हटकर चीजें अच्छे से समझाई जाए बच्चों को। इसी के साथ में क्लासरूम एक्टिविटी होगी यूजुअली एज ए ग्रुप के अंदर में, किस तरीके से क्या क्या काम किया जा सकता है उसको और प्रमोट करने के लिए। होमवर्क भी दिया जाएगा इसी पैटर्न में ताकि फैमिली को भी इंगेज किया जा सके, और कम्युनिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन भी यहां से आना चाहिए, यानी कि एक तरीके से कि बच्चों को टीचर के साथ में परिवार के साथ में कम्युनिटी, यानी कि जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं सब जगह यहां पर इसको एक तरीके से आगे ले जाने की बात की जा रही है। तो यह है दिल्ली जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का, ये बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट का ये देशभक्ति कैरिकुलम। तो क्वेश्चन भी अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि किसके द्वारा देशभक्ति कैरिकुलम अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि हाँ कौन है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में समझा दिया किस किस चरण में क्या क्या बातें की जा रही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर ये न्यूज है थोड़ी सी, अभी ये चाइना को टैगल करने के लिए इंडिया का ये स्टेप आप लोग बोल सकते हैं, बात की जा रही है यहां पर करमापा। तो करमापा यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, बेसिकली ये माना जा रहा है कि इनको आगे आने वाले टाइम में जो दलाई लामा है उनको रिप्लेस कर यहां पर बेसिकली इनको यहां पर लाने की बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो तिब्बत आज की डेट में चाइना के कंट्रोल में है, तो यहां पर उस तिब्बत के इशू को उठाने का एक तरीका ये इंडिया के द्वारा खोजा गया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी आप लोगों को पता है दलाई लामा का बर्थडे भी उनको विश किया गया, जो कि नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान जो है हमारी कंट्री का जो पाक ऑक्युपाइड एरिया लिए बैठा है और उसमें से चाइना इकोनॉमिक जो चाइना एक तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो लेकर जा रहे हैं, तो इसके चलते इंडिया काफी एक तरीके से उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। तो इंडिया भी कई सारे ऐसे मौके खोज रहा है अभी यहां पर ताकि चाइना को जो है उसकी औकात दिखाई जा सके, तो ये अच्छा है। तो 17th करमापा जो यहां पर उगियान ये जो बेसिकली यहां पर देखने को मिलेगा त्रिनली दोज, ठीक है, तो ये यहां पर अभी चीफ मिनिस्टर जो है उनके द्वारा बोला गया था सिक्किम के कि यहां पर इनको वापस लाया जाए। देखिए था क्या बेसिकली, इनको हमारी कंट्री में जब ये आए बच बुचाकर, ठीक है, तो काफी ये 14 साल के थे उस टाइम पर, तो 1999 में देश में आए, तो ये काफी बड़ा फेलियर था चाइना का, वरना चाइना जो है वो किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, पर लेकिन इनको जो है हमारी कंट्री में भी रहने के लिए एक तरीके से चीजें तो मिल गई कि हाँ देश के अंदर रह सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन कई तरीके से ऐसी चीजें मिलेगी उसको कई सारी कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, यानी एक तरीके से ट्रेवल पर कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती थी देश के अंदर, तो है चलो हिसाब ठीक है हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन अगर जो एक्सपेक्ट जो यहां पर इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो यहां पर इनको दिया गया जिसको बोला गया एक तरीके से कि इंडिया के अंदर आप लोग रह सकते हैं, जो एक तरीके से परमिशन दी गई, उस परमिशन के बेस पर अगर किसी और देश में इनको जाना है तो वहां पर इनको ढंग से अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो इसके चलते यहां पर रिस्ट्रिक्शन थी उनके ट्रेवल पर। 2017 में यहां पर ये कई सारे एरिया में यूरोप में यूएसए में थे, इसी के साथ में बोला जा रहा है कि एक्वायर कर ली सिटीजनशिप यहां पर डोमिनिका की इनके पास में, जो कि कैरेबियन कंट्री है, ठीक है, इसी के साथ में फिर बोला गया कि न्यू जर्सी में देखने को मिला जो कि इनको एक फार्म हाउस गिफ्ट किया गया चाइनीज जो यहां पर ताइवान कपल था उसके द्वारा एक यहां पर इनको गिफ्ट किया गया, ठीक है, जो कि वहां पर रह रहा होगा कोई कपल, ठीक है, एक तरीके से। तो एक कहने का मतलब ये कि अगर इनको लाकर फिर से बातें की जाती है कि हाँ एक तरीके से तिब्बत को कैसे अलग करना है, तो वो वाली चीजें यहां पर एक अच्छा एक रोल प्ले कर सकती है, तो उसी की तरफ को ये बढ़ता हुआ आप लोग एक कदम बोल सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा, ठीक है। तो ये है यहां पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन, आगे चलते हैं। ये काफी एक इंपॉर्टेंट तरीका बोल सकते हैं एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने का, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं एक हॉस्टल बनाने वाला हूं और उस हॉस्टल में सब बच्चों को रखूंगा और वहीं पर ही उनको पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद में वहीं से ही उनको बेसिकली सिलेक्शन दिलाया जाएगा, यानी एक तरीके से रेजिडेंशियल एक रेजिडेंशियल स्कूल का सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं, खाना पीना रहना सोना सब कुछ वहां पर जो रहेगा वो सारी चीजें रहेगी, तो उस तरीके से पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल रहेगा, ठीक है, तो वो वाली चीजें यहां पर करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके चलते अभी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर सेटअप करने की बात की जा रही है रेजिडेंशियल स्कूल इन पब्लिक प्राइवेट जो मोड है बेसिकली, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है वो मिलकर काम करेगा,
क्योंकि देखिए किसी पर्टिकुलर इंसान के पास में इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो अकेला ये सारी चीजें एस्टेब्लिश कर सके। तो अगर गवर्नमेंट भी चाहे अलग अलग एरिया में जाकर ऐसे ऐसे स्कूल बनाने, तो उसमें गवर्नमेंट को भी बहुत ह्यूज खर्चा करना पड़ेगा। सोचिए एक स्कूल बनाना, उसके अंदर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना एक बच्चे के लिए, तो इसके चलते यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो बोला यह कि छठी से लेकर बारहवीं तक का यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई पॉलिसी कि एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में यहाँ पर ऐसा कोई स्कूल यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे, जिसके चलते लार्ज स्केल पर बोला जाएगा कि 2000 से लेकर 10000 तक के जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर बेसिकली इस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए इनिशिएट किया जाएगा। तो ये एक तरीके से काफी अच्छे लेवल पर बच्चों को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसके अंदर कई सारी बातें यहाँ पर बोली गई है कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल रहेंगे एक तरीके से, जो गवर्नमेंट एक तरीके से नहीं गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंट्रेंस जो लेवल रहेगा यहाँ पर एक तरीके से पांचवी के बाद में जो एंट्री की जाती है वो वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। पांचवीं के बाद में एंट्री करने के लिए आज की डेट में आप लोगों को अगर नेशनल लेवल पर ग्रेड जैसे स्कूल देखने को मिलते हैं तो उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, नवोदय विद्यालय। सुना है क्या कोई ऐसा है जो नवोदय विद्यालय से पढ़ा है? मेरा बहुत मन था पढ़ने का पर लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी। मतलब काफी एक इंटरेस्टिंग घटना है उसके पीछे। चलिए जो भी है तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली ग्रेड फाइव से यहाँ पर एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली अगर बात करें तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है हमारे देश के अंदर में तो वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम है, जिसको मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट बोला गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये एक अच्छा अगर एजुकेशन सिस्टम हम लोग दे पाते हैं सोसाइटी के अंदर तो बहुत बड़ी बात होती है यार एक तरीके से। तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है अगर बच्चों को हम लोग इस तरीके से पढ़ा पाते हैं। स्टार्टिंग से पहले तो उनको एक तरीके से ग्रांट इन एड वाले जो स्कूल हैं कम से कम एक से लेकर पांचवीं तक का सही एजुकेशन मिलनी चाहिए, फिर उसी के साथ में उनको छठी से लेकर बारहवीं तक का एजुकेशन सही मिले तो जो बेस होता है वही एनसीईआरटी पढ़कर आप लोग यूपीएससी के एग्जाम कर रहे हैं, वही फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट रखकर आप लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं, तो वही सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने आते हैं घुमा फिरा कर। यानी कि एक से लेकर बारहवीं तक का जो बच्चे का बेस बनता है रियलिटी में, अगर वो बेस अच्छा रहता है तो फाउंडेशन अच्छा हो गया तो फिर जिंदगी अच्छी चलेगी। तो इस तरीके से चीजें देखने को मिलेगी। तो स्टेट जो है वो पे करेगी प्रोजेक्ट पार्टनर के तहत यहां पर ऑल इंक्लूसिव लगभग 60,000 पर स्टूडेंट पर ईयर। ठीक है, विद 7% इंक्रीमेंट में यहां पर देखने को मिलेगा। तो पॉलिसी बोला जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में 1,00,000 तक का जो यहां पर स्टूडेंट्स की कैपेसिटी को यहाँ पर बढ़ाने वाली है 2 से लेकर 3 साल के अंदर में, तो इससे काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और बायलिंगुअल भी यहाँ पर बेसिकली इसको लेकर चला जाना है, ये खासकर छठी से लेकर आगे चलेंगे जब। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में लाई गई है तो ये है हमारी कंट्री की तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन बन सकता है। पहली लाई गई थी 1968 में, दूसरी लाई गई थी 1986 में और तीसरी लाई गई है 2020 में। तो ये तीन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की बात करती है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए अभी लेटेस्ट ये एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इसमें कई सारे ऐसे प्रोविजन रखे गए कि एक चहुमुखी विकास बच्चे का किया जा सके। तो उसी के चलते इसके बारे में याद रखिएगा। संविधान के अंदर अगर बात करूं एजुकेशन के बारे में तो जब आप लोग जाएंगे यहां पर सातवें शेड्यूल के अंदर तो आप लोगों को तीन लिस्ट देखने को मिलेगी, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर जो एजुकेशन को रखा गया वो रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करती थी, तो यहां पर क्या किया गया इसको, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, तो उसको वहां से निकाल दिया गया स्टेट लिस्ट से और उसको हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो तब से कॉन्करेंट लिस्ट में ही ये चल रही है एजुकेशन। तो हमारी कंट्री में संविधान में संशोधन किया गया, आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा रिवीजन भी करा देते हैं कि राइट टू एजुकेशन जो बच्चे की 6 से लेकर 14 साल तक है वो फ्री होनी चाहिए। तो इसके चलते हमारी कंट्री में प्रोविजन है, किस आर्टिकल के तहत ये प्रोविजन आता है आप लोगों को याद है, आर्टिकल 21A। ठीक है, तो याद रखिएगा 21A कहां पड़ेगा, ये 21A जब आप लोग जाएंगे आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्ट थर्ड के अंदर। आर्टिकल 12 से लेकर जब आर्टिकल 35 तक आप लोग बात करेंगे तो उसके अंदर आर्टिकल 21A आता है यहां पर, जो कि फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं तो कोई पर्टिकुलर बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसकी राइट टू लाइफ एक तरीके से उसी के साथ में उसका राइट टू एजुकेशन आ गया। इसी में ही आप लोगों को केस पुत्तास्वामी केस के बाद में राइट टू प्राइवेसी भी आ जाता है यहीं पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए जब अमेंडमेंट किया गया तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, ये जो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, और फिर राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट करने के लिए 2009 में हमारी कंट्री में बेसिकली एक एक्ट लाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके चलते 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए एक कंपलसरी प्रोविजन यहां पर बनाया गया। तो एजुकेशन के बारे में इसमें से इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो ये राम कहानी मैंने अभी बताई है आप लोगों को थोड़ी सी देर के अंदर, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे ना
तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से कभी ना कभी जरूर देखने को मिलता रहेगा, चाहे आप लोग धरती पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की अगर, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर हो जाता है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और इसके साथ में हमारी कंट्री में एजुकेशन के ऊपर कोविड 19 का इंपैक्ट जो पड़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आगे भी अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है। चलिए क्वेश्चन तो मेरा पूछना बनता है इतनी सारी रामगाथा सुनाने के बाद में, इतना तो हक बनता है ना। बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एजुकेशन को कहां पर रखा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें एजुकेशन कौन से नंबर पर रखा गया है, एजुकेशन भी बता दीजिए, चलिए हेल्थ भी बता दीजिए। तो ये चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं यहां पर। अभी अच्छी एक चीज मुझे देखने को मिली, बेसिकली हॉस्पिटल के द्वारा रिफंड मनी एक तरीके से यहां पर बात की जा रही है। देखिए अगर आज के डेट में आप लोग किसी पर्टिकुलर स्कीम के तहत ऐसा हुआ, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक इंसान है उसको कोई बीमारी होगी पर लेकिन वो जो इंसान है वो किसी पर्टिकुलर स्कीम के तहत उसको इंश्योरेंस मिलेगा, पर लेकिन होता क्या, ये बोलते कि पहले आप लोग पे कर दो फिर इंश्योरेंस का पैसा आ जाएगा। अरे यार इतना ही पे करने वाला ये इंसान होता तो ये यहां पर आकर आपका इंश्योरेंस थोड़ी ना ले रहा होता, ठीक है, अगर इतनी अच्छी अच्छी हालत होती। इनके आप लोगों को क्या करना चाहिए यहां पर, कम से कम अगर कोई बीमार हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट करे और वहां पर वो पैसा पे करे, तो ऐसा होना चाहिए। पर लेकिन होता क्या, पहले आप पैसा पे कर दो फिर इंश्योरेंस कंपनी आप लोगों के अकाउंट में डाल देगी, तो कतई घटिया स्कीम आप लोग बोल सकते हैं इसको। यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास में पैसा नहीं है इसका मतलब वो इलाज ही नहीं करवा पाएगा फिर यहां पर, तो इसका मतलब मरता रहेगा। तो इसके चलते ब्लैक फंगस के जो केस देखने को मिले, इसका अगर ऑपरेशन भी कराया जाता है तो उसका ऑपरेशन 2.5 से 3 लाख और इससे भी ज्यादा आप लोगों का खर्चा यहां पर आ जाता है। तो काफी सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे यहाँ पर, बेसिकली जिनको 5 लाख रुपए एवरी फैमिली को देने की बात की गई थी ना इंश्योरेंस स्कीम के तहत। तो राजस्थान के अंदर एक चिरंजीवी स्वास्थ्य जो बीमा योजना है तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर जो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लॉन्च की गई थी। तो ये जो स्कीम है इसके तहत यहाँ पर चीजें ये चल रही थी, अभी रिसेंटली देखा गया कि आप लोगों को कोई बीमारी हो रही है तो इंश्योरेंस का पैसा आप लोग पे कर दो और फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आप लोगों को पे कर देगी। तो इसके चलते काफी सारी फैमिली को कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई, तो उसी को दूर करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ब्लैक फंगस को अगर आप लोग याद रखिएगा, इसको म्यूक्योर माइकोसिस के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली ब्लैक फंगस बोला गया इसको यहाँ पर। ये जो बीमारी ये काफी ह्यूज इंपैक्ट डाला है इसने इम्यूनिटी, देखिए अगर आज के डेट में कोरोना किसी को लगा हुआ है तो कोरोना ऑलरेडी उस इंसान को ज्यादा इंपैक्ट डालेगा जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। इम्यूनिटी क्या होती है, एक तरीके से रोगों से लड़ने की क्षमता होती है आप लोगों के शरीर की। आज की डेट में भी देखिए जैसे कि आप लोग या फिर मैं भी कोरोना का जो कोरोना से बचने के लिए जो इंजेक्शन की हम लोगों ने डोज लिए, तो रियलिटी में क्या है, वो दवाई थोड़ी ना है कोई एक तरीके से आप लोगों के बॉडी में जो दिया गया है, वो कोरोना का ही एक ऐसा वर्जन है जो बहुत माइन्यूट एक लेवल का कोरोना आप लोग बोल सकते हैं। तो कोरोना वायरस आप लोगों की बॉडी में छोड़ा गया है, तो उससे क्या होता है, दवाई ऐसे ही काम करती है आप लोगों की बॉडी में, जैसे ही वो कोरोना जाएगा एक बहुत माइन्यूट लेवल का एक तरीके से जिसकी कोई ज्यादा क्षमता नहीं रहती है, तो आप लोगों की बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो तुरंत इसके साथ में लड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी कुछ गलत आ गया, कोई प्राइवेट तत्व बॉडी के अंदर यहां पर आ रहा है तो उसके साथ में वो लड़ना स्टार्ट कर देगा और अपनी इम्यून सिस्टम, अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको और ज्यादा वो एक तरीके से दुरुस्त बनाएगा कि हाँ ऐसा भी कुछ आ सकता है। वो नहीं कहते कि एक तरीके की वार्निंग रहती है ये, जैसे कि आज की डेट में साइक्लोन आना है कहीं पर तो वहां पर वार्निंग दी जाती है कि लोगों को यहां से निकाल लो, तो वो वार्निंग है यहां पर, ये बॉडी को जब इस तरीके का इंजेक्शन दिया जाता है वो अपने आप को तैयार कर लेता है कि फ्यूचर में कोई ताकतवर ऐसा कुछ आएगा तो आप लोगों का शरीर उसके साथ में लड़ने के लिए तैयार रहेगा। तो ये बॉडी का एक तरकीरिया, एक बॉडी की एक तरकीब होती है, प्रक्रिया होती है जिसके तहत यहां पर ऐसे काम होता है। तो यहां पर इसी के चलते तो म्यूक्योर माइकोसिस जो है इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, फंगल इन्फेक्शन है उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम जो है काफी हद तक बर्बाद हो चुके हैं, तो खासकर जिनको डायबिटीज की बीमारी है, कोई और ऑलरेडी बीमारी है, ठीक है, तो उन लोगों को यहां पर ये काफी हद तक यहां पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। इसके चलते आप लोग यहां पर बेसिकली कान के अंदर, नाक के अंदर, गले के अंदर, मुंह के अंदर ये इन्फेक्शन हो जाता है जिसके चलते इंसान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इसके लिए ऑपरेशन यहां पर करना पड़ता है, तो उसका काफी ह्यूज खर्चा भी यहां पर निकल कर आता है। तो काफी सारे लोगों को अभी रिसेंटली बीमारी देखने को मिली। क्या आप लोगों के आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसको यहां पर इस तरीके की बीमारी देखने को मिली? तो अभी यहां पर मेरे भी एक रिलेटिव है यहां पर, उनका ऑपरेशन यहां पर देखने को मिला था। तो इसके चलते ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ये चीजें ऐसी जिनके बारे में अवेयरनेस भी आप लोग फैला सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर दिल्ली के अंदर बेसिकली कैपिटल को बोला जा रहा है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड पर बनाया जाएगा। यूरोपियन मतलब जो यूरोप की सिटी है, यूरोप के अंदर अगर यूरोपियन यूनियन की मैं बात करूं तो 27 आज की डेट में वहां पर मेंबर देखने को मिलेंगे। पहले 28 हुआ करते थे पर लेकिन अभी क्या हुआ वहां पर, अभी वहां पर एक बाहर निकल गया जिसका नाम था ब्रिटेन, जिसको आप लोगों ने ब्रेक्जिट भी बोला। तो ब्रेक्जिट का मतलब क्या था, ब्रिटेन का एग्जिट होना यूरोपियन यूनियन से, तो उसको ब्रेक्जिट बोल दिया गया। तो अभी यहां पर 27 मेंबर रह गए। तो यूरोप के अंदर ऐसा रहता है अगर आप लोग यूरोप के अंदर आप लोग एंट्री करोगे तो फिर आप लोगों को अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग वीजा लेने की जरूरत नहीं है। एक बार यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री कर जाओ तो कई सारी कंट्री में आप लोग घूम सकते हैं।
काफी अच्छा ढांचागत विकास भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। टूरिस्ट एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है यूरोप के अंदर में, तो उसी के पैटर्न में अपने देश के अंदर भी जैसे यहाँ पर गाड़ी चल रही है, ठीक है, दोनों साइड में, तो साइड में यहाँ पर एक अच्छा खासा सिस्टम बनाया जा रहा है जहां पर लोग आराम से चल सके, ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, पाथवे बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बोला यह गया कि ऐसे यहाँ पर 450 रोड जो है 2023 तक उनको इस तरीके से डेवलप किया जाएगा ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहे और इसी के साथ में जो पैदल चलने वाले लोग हैं या बाइसिकल से जाने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पर फायदा पहुंचाया जा सके। तो अलग अलग एरिया में ऐसी रोड जो है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो गई है दिल्ली के अंदर, यानी कि आगे आने वाले टाइम में इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिल्ली में आप लोगों को काफी कुछ चीजें चेंज होती नजर आएंगी। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की गई है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, थोड़ा सा एक तरीके से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक मोटा मोटा आइडिया कम से कम इसके बारे में आप लोगों को होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर एक न्यूज बोल सकते हो जिससे रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन भी बन सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा कुछ प्रोविजन है जो न्यू आईटी रूल के, जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था हमारे देश में कि यहाँ पर इनको इंप्लीमेंट किया गया था मई के महीने में। ये क्या थे, इनको बोलते थे आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड। तो एक तरीके ये ऐसा सिस्टम था जिसके तहत यहाँ पर सबके ऊपर कंट्रोल लगाया गया कि हाँ इस तरीके से आप लोग काम करना है। इवन जो स्टडी लवर वीर जो चैनल के ऊपर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को भी जिसके ऊपर ये बोला गया लगभग 5 लाख से ज्यादा जिसके पास में एक तरीके से सब्सक्राइबर है, वो भी यहाँ पर इन गाइडलाइन के अंडर आ जाता है कि अगर कुछ भी ऐसा देखने को मिलता है जिससे कि कुछ गलत चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आती है तो इसको भी उसके तहत टैकल किया जाएगा इस रूल के तहत यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि सारे सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया वेबसाइट, यूट्यूब या ट्विटर, जो भी चीजें हैं सबको इसके अंडर लाया गया ताकि सिचुएशन को नॉर्मल रखा जा सके। पर लेकिन यहाँ पर अभी जब हाईकोर्ट के अंदर ये केस पहुंचा तो इसमें ये बोला गया कि इसका रूल नंबर 91 और 93 जो है यहाँ पर ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का यहाँ पर हनन कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से बोला गया कि ये आर्टिकल जो कई सारे आर्टिकल जैसे कि इक्वलिटी के बारे में बात करें, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया, आर्टिकल अगर 19 के बारे में बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, इसी के साथ में प्रोफेशन अगर किसी को ही करना है, ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं काफी कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके बिजनेस को भी यहाँ पर ये इंपैक्ट डाल रहा है, तो ये इसका हनन कर रहा है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो आप लोग अगर पार्ट 3 के अंदर जाएंगे फंडामेंटल राइट के अंदर तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर में कई सारे जो राइट हैं ये आईटी रूल उनको हनन कर रहे हैं। राइट टू इक्वलिटी कहां पर आता है अगर आप लोगों से बोला जाए कहां आता है तो 14 से लेके 18 तक आते हैं, तो ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। राइट टू फ्रीडम कहां पर आता है ये 19 से लेके 22 तक आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन कहां पर आता है ये 23 और 24 के अंदर में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहां पर आता है 25 से लेके 28 तक आता है। कल्चर और एजुकेशनल राइट कहां पर आते हैं ये 29 से 30 के अंदर रहते हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये 32 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी ये जो है यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में देखने को मिलता था, पर लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया देश के अंदर इसको हटा दिया गया। आप लोग बोलेंगे क्यों हटा दिया, क्योंकि यार प्रॉपर्टी को अगर फंडामेंटल राइट बना दिया गया तो होता क्या था, मान लीजिए हमको कहीं पर कोई सड़क बनानी है, कोई बांध बनाना है, अब वहां पर किसी एक पर्टिकुलर किसान है, किसी कोई पर्टिकुलर इंसान ने कोई जमीन खरीद रखी है, तो यहां पर प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट है, उसकी जमीन अगर उससे कोई लेना चाहेगा तो वो ले नहीं पाएगा चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, क्योंकि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट का हनन आप लोग नहीं कर सकते, तुरंत कोर्ट में चला जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर्टी के राइट को यहां से डिलीट किया गया और उसको एक लीगल राइट बनाया गया फंडामेंटल राइट से हटा के, क्योंकि अगर यहां पर ये फंडामेंटल राइट रहता तो कोई भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाता। तो ये इस तरीके से यहां पर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1978 में इसको यहां से हटाने के लिए। तो यहां पर ये भी आप लोग आइडिया रखेगा। तो फिलहाल अभी क्या किया गया यहां पर बोला जा रहा है मेनली तो जो एक तरीके से राइट टू जो फ्रीडम है उसके तहत यहां पर काफी ज्यादा हनन ये देखने को मिल रहा है ये जो आईटी रूल रह गए, तो इसलिए इनको यहां पर कंट्रोल करने की और चेंज करने की बात की जा रही है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोगों को यहां पर रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहां पर, बाकी ट्विटर वगैरह जो थे राहुल गांधी और कांग्रेस के वो सारे वापस आ गए, तो ये चलिए अच्छी बात है, अब फिर से अपना लग जाएंगे जो भी है पॉलिटिशियन कर देंगे हैं वो ये सब चीजें अपना चलती रहती होंगी। ये वाला जो आर्टिकल है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा सेंसेटिव आर्टिकल भी है, कुछ ऐसे शब्द भी इसमें यूज करूंगा, अगर आप लोग घर वालों के साथ में देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आपको मतलब असहज फील कर सकते हैं, तो इसलिए पहले से मैं बोल देता हूँ। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर बता तो दिया करो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शादी, उसके साथ में सेक्स, उसके साथ में रेप, उसको कनेक्ट कर हमारी कंट्री में कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसके चलते उसको अभी डिस्कस किया जा रहा है फिर से, ये इसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग देख लो, अगर दिक्कत नहीं है तो सुनो, वरना अलग सुन लो, कोई ऐसी फालतू की चीज तो है नहीं, हालांकि अच्छी चीजें ऐसी चीजें आप लोग बैठकर सुन सकते हो अपने मतलब घर में, ऐसा माहौल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये सारी बातें इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब मैं समझाता हूँ बेसिकली टॉपिक क्या है। टॉपिक अगर आप लोगों ने मूवी देखी है यहाँ पर, पिंक मूवी थी यहाँ पर,
पिंक मूवी में क्या बोला गया, पिंक मूवी में ये बोला गया कि अगर एक लड़का है और एक लड़की है वो आपस में फिजिकल हो रहे हैं तो उनमें दोनों की सहमति होनी चाहिए। ये सहमति शादी से पहले तो अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं चलती है कि दोनों की सहमति होनी चाहिए, वरना इसको रेप माना जाएगा। ठीक है, ये पिंक मूवी के अंदर दिखाया गया कि अगर कोई लड़की नो बोलती है, और यहां पर लड़की नहीं अगर कोई लड़का भी नो बोलता है तो नो मीन्स नो होना चाहिए, यानी कि अगर एक सामने वाला कोई सहमत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कोई जबरदस्ती कर उसके साथ में फिजिकल हो पाओगे, क्योंकि एक तरीके से जो फिजिकल होना और ये सारी चीजें बोला गया कि ये लव मेकिंग प्रोसीजर के अंदर आता है, और लव मेकिंग इंसान तभी कर पाता है जब इंसान जो है वो दोनों सहमत हो उस चीज के लिए। जबरदस्ती में कभी भी प्यार नहीं हो सकता, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। दो चीजें मुझे ऐसी लगती हैं जो मुझे पर्सनल है, ये मेरा हो सकता है आप लोगों को ये चीजें इस तरीके से नहीं लगती हो। एक तो प्यार एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, और एक दूसरा बोल सकते हैं पढ़ाई। ये आप लोग कोई फोर्सफुली कराने की कोशिश करेगा ना कभी नहीं करा पाएगा। हाँ, अगर आप लोग इनको सहमत है खुद करने के लिए तो ही करा पाएगा। आप लोगों को आप लोग घर वाले या फिर मैं जबरदस्ती किताब लेकर बैठा सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पढ़ेंगे आप लोग तभी जब आप लोगों को उसमें मजा आएगा। तो इसीलिए हमेशा प्यार और पढ़ाई ऐसी चीजें लगती हैं जो कभी भी कोई आप लोगों से जबरदस्ती नहीं करवा सकता। तो इसी तरीके से यहां पर ये बात बोली गई, हमारी कंट्री में आप लोगों को याद होगा 2012 में एक निर्भया केस हुआ जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। ये जो निर्भया केस हुआ इसमें जस्टिस वर्मा कमेटी सेटअप की गई थी उस टाइम पर, और उस कमेटी के द्वारा कई सारी रिकमेंडेशन दी गई कि अगर कोई ऐसी केस होता है तो उसको कैसे टैकल करना है। तो इसमें काफी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू क्रिएट कर देता उस टाइम पर कि एक तरीके से मैरिटल रेप को भी इसमें क्राइम माना जाए, यानी एक तरीके से जैसे कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ठीक है, तो हस्बैंड है और वाइफ है दोनों की शादी हो गई, मतलब शादी होने के बाद ही हस्बैंड वाइफ बनेंगे क्या बोलता हूँ कभी कभी मैं भी मतलब एक लड़का है और लड़की है उनकी शादी होगी, वो हस्बैंड और वाइफ हो गए, ठीक है। अब हस्बैंड और वाइफ होने के बाद में अगर मान लीजिए एक तरीके से उनको बेबी करना है, बेबी प्लान करना है, ठीक है, तो बेबी प्लान करना है तो उनको फिजिकल होना पड़ेगा। तो उस टाइम पर अगर लगता है, अगर यहां पर लड़की को लगता है कि नहीं होना चाहिए, अगर वो मना करती है और लड़का उसके साथ में जबरदस्ती करता है, तो अब तक हमारे देश में ऐसा है कि इसको रेप नहीं माना जाएगा, यानी कि एक तरीके से हक है उन दोनों को एक दूसरे के साथ में जबरदस्ती करने का, ये ऐसा मान सकते हैं। इसके बारे में कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है, पर हां ये बोला जा रहा है कि इसको रेप की कैटेगरी में तो नहीं रखा जाएगा। आप लोगों को मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं, ये लगभग मुझे लग रहा है कि शायद 5 साल पहले की बात होगी, 5 या 6 साल पहले की लगभग, आई थिंक 1 मिनट, 4 साल पहले की लगभग बात है। तो मैं रहता था मतलब एक तरीके से पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पर मैं जैसे मॉर्निंग में रनिंग करने जा रहा था, तो रनिंग करने जा रहा था तो वहां पर जैसे मैं रनिंग कर आ रहा था रिटर्न, आराम आराम से चलता चलता टहलता टहलता, तो उस टाइम पर एक पर्टिकुलर एक जैसे वर्कर होते हैं कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, तो एक ऐसा वर्कर था और उसकी वाइफ थी उसके साथ में, और उसकी वाइफ के हाथ में बच्चा था। वो क्या कर रहा था, चल रहा था और उसको थप्पड़ मार, सर में पीछे से नहीं मारते, थप्पड़ मारते रहते सर में पीछे से, ठीक है, उसको मारता मारता चल रहा था। तो मैंने बोला, मुझे मतलब बड़ा बुरा लगा देख के, मैंने कहा यार क्या बदतमीजी कर रहे हो। तो खैर देखकर थोड़ा सहमा कि कोई आकर ऐसे कैसे बोल सकता है, तो एक तरीके कह रहा कि आप कौन हो, उसने बोला तुम कि तू कौन है, उसने ये बोला मतलब मुझे, मैंने कहा मैं कोई भी हूं, मैंने कहा कि यार ये वाइफ है तुम्हारी या फिर कोई और है, क्या क्यों मार रहे हो, तो कह रहा मेरी पत्नी है, तो मैंने कहा पत्नी होता है ऐसे मारोगे क्या। तो मैंने कहा ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं, मैंने कहा अभी मतलब वहां पे थोड़ी सी दूर चलकर ऐसे थोड़ा सा एक ऐसा एरिया है जहां पर एक मतलब एक पुलिस स्टेशन में थोड़ा सा दूर चल गया, मैंने कहा पुलिस में पकड़ूंगा तुझे भी चल के। तो जैसा मैंने उसको बोला तो वो पहले तो थोड़ा शांत हो गया, फिर क्या बोला थोड़ा सा आगे चल के कि साहब यहां तो रोक लोगे, घर पे रोक लोगे मुझे, आके घर पे मारूंगा मैं उसको जाके। तो वो वाली चीज मुझे अंदर से मतलब पिंच करके चली गई, मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है। तो वही बात थी, मतलब मैं तो उसको वहां पे तो रोक लूंगा, घर पे जाके वो बदतमीजी करेगा, तो जब तक खुद जो औरत जो है वो सामने नहीं आएगी कि हाँ इस तरीके से अगर कुछ हो रहा है वो सहन किया जा रही है तो सामने वाला तो बदतमीजी काटेगा। तो पहली तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि बिना बात के, एक तो होता है कि कोई गलती हुई है तो गलती में भी हाथ उठाने का तो हक नहीं है ना, कम से कम वो एक तरीके से एक मैरिड कपल है तो वो वाली चीजें होनी चाहिए। दूसरा यहां पर इस तरीके से फिजिकली असोल्ट करना, सेक्चुअली असोल्ट करना, जबरदस्ती करना, तो इसको बोला जाता है कि रेप की कैटेगरी में इसको रखा जाना चाहिए। तो ये जब जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया तो उस टाइम पर यहां पर इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया, बोला कि हमारे देश में चीजें उस लेवल पर डेवलप नहीं है। शादी को एक बहुत ही पवित्र रिलेशन के तरीके से देखा जाता है, दुनिया भर की शादी टूटती हुई नजर आएगी अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, क्योंकि हर टाइम जो है चीजें एक जैसी नहीं रहती है, हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं रहता है, और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इसको अलग तरीके से इसको हो सकता है कि वो नहीं कि एक तरीके से सोसाइटी में एक डिविजन देखने को मिले कि हाँ किस, कई बार ऐसा रहता है कई सारी जैसे कि ऐसे जैसे जैसे जो मेल है वो तो बदतमीज रहता है, कई सारी औरतें भी बदतमीज रहती हैं, ठीक है, पता चला औरतें बदतमीजी पर आ गई, वो बोलेगी मैं तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगी अगर मेरे हाथ भी लगा दिया आज के बाद में, ठीक है, तो पता चला लड़ाई कुछ हो रही है, केस पहुंच गया कोर्ट में, केस पहुंच गया,
घर पूरा घिसता फिर रहा है वहां पर, तो कई तरीके के लोग होते हैं, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर इसको रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि प्राइवेट मैटर और प्राइवेट स्पेस में इसको रहना चाहिए। पर लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है 18 साल से नीचे की लड़की के साथ में, इवन चाहे वो मैरिड भी क्यों ना हो, वो रेप की कैटेगरी में यहां पर रखा गया। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट अच्छी चीज लगी मुझे कि हां कम से कम यहां पर इसको रेप माना जा रहा है, पर लेकिन 18 साल से ऊपर की अगर कोई लड़की हो गई है तो वो उसको यहां पर रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो इसके चलते कई सारे अलग अलग केस हमारी कंट्री में आ चुके हैं, जैसे कोर्ट के अंदर केस पहुंचते हैं ना, आप लोगों को याद होगा प्रेग्नेंट अगर कोई वुमेन हो जाती है तो उसको बच्चा रखना है या नहीं रखना है उसके ऊपर भी कई सारी बात की जाती है कि उसकी बॉडी के अंदर ये बच्चा है तो उसको आप होना चाहिए कि बच्चे को रखना है फिर नहीं रखना है, तो इसका खुद का राइट होना चाहिए। तो ऐसी भी कई सारी बातें आप लोगों ने देखी होगी। तो गुजरात हाईकोर्ट के अंदर अलग अलग जगह पर यहां पर इस तरीके कई सारे केस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2017 में यहां पर टॉप कोर्ट के द्वारा बोला गया कि इंडिपेंडेंट ये थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है कि रिफ्यूज कर दिया क्वेश्चन को कि एक मैरिटल जो रेप है उसको एग्जामिन करने के लिए सेक्शन 375 इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत कि यहां पर एक तरीके से इसको सेक्सुअल कैटेगरी में इसको रखा जाएगा, रेप इसको माना जाएगा। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई सारे केस आ चुके हैं। जैसे कि यहां पर बात की जा रही है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज, ये है मधुकर नारायण, ये मधुकर नारायण मर्दिकाल। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे केस आते हैं, बार बार इन चीजों के बारे में बात की जाती है अलग अलग एंगल से। एक और यहां पर ये सुचिता श्रीवास्तव वर्सेज, ये यहां पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का केस, जहां पर वुमेन ने एक तरीके से बोला गया कि वुमेन राइट को रिफ्यूज कर दिया पार्टिसिपेट करने से सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर, तो उसको किस तरीके से लेकर चलना है, तो हक है यहां पर, यही मूवीज के ऊपर ये समझाने की बात की गई थी। पर लेकिन जस्टिस वर्मा ने कहा कि यार देखो ये गलत बात है, आप लोग क्या कर रहे हो यहां पर, एक तरीके से आप लोग एक मैरिड वुमेन है और एक अनमैरिड वुमेन है, एक तो मैरिड वुमेन होगी उसने शादी कर ली तो उसको तो एक तरीके से बांध दिया आप लोगों ने कि उसका हस्बैंड उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके लिए तो एक तरीके से बंदिश हो गई ना वहां पर, ये कि हस्बैंड जबरदस्ती करेगा वहां पर तो वो एक तरीके से वैलिड मानी गई वो जबरदस्ती। पर लेकिन एक अनमैरिड वुमेन है, अगर उसके साथ में कुछ ऐसा होता है तो उसको हक है कि वो कोर्ट में जाकर अपने लिए न्याय मांग सकती है। तो आप लोगों ने फीमेल कैटेगरी के अंदर ही यहां पर आप लोगों ने डिविजन क्रिएट कर दिया इस चीज को लेकर, तो ये सही नहीं है। तो ये बात भी यहां पर बोलने की कोशिश की गई, समझ रहे ना आप लोग मैं यहां पर क्या बता रहा हूं। तो इस चीज को यहां पर समझाने की बात की गई, इसको भी आप लोगों को ऐसे देखकर चलना चाहिए कि हाँ एक तरीके से कि इसको रेप की कैटेगरी में अगर माना जाए तो ये सही सोल्यूशन इसका निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरीके से शादी देने के बाद में आप लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया कि लाइसेंस हो गया आप लोग ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है कि लाइसेंस मिल गया गाड़ी चलाओ, लाइसेंस मिल गया हवाई जहाज बनाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लाइसेंस, एक तरीके से वो लाइसेंस नहीं है कि आप लोग किसी भी तरीके से उस इंसान को ट्रीट करेंगे, तो ये गलत काम है, इसको थोड़ा ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। ये मतलब मेरी राय में मतलब यार ये चीजें बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल है। एक तरीके से यहां पर रेस्पेक्ट देखिए, प्यार अपनी जगह है, फिजिकल रिलेशन अपनी जगह है, पर मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेस्पेक्ट। अगर आप लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते ना तो जिंदगी में कभी आप लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाएंगे। प्यार के पहले रेस्पेक्ट आता है मुझे लगता है, क्योंकि अगर प्यार बिना रेस्पेक्ट के चल रही है तो कुछ नहीं, एक तरीके का फिजिकल अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, उसको बस एक तरीके से नहीं कहते, एक तरीके से हाँ थोड़ी देर के लिए क्षणिक रिएक्शन आप लोग उसको बोल सकते हो। पर लेकिन अगर किसी को लेकर रेस्पेक्ट आती है तो प्यार अपने आप वहां से निकल कर आएगा। अगर किसी को लेकर रेस्पेक्ट आती है तो फिजिकल अगर जो भी चीजें आप लोग की लाइफ में चलेंगी वो सारी चीजें सही डायरेक्शन में रहेंगी, अगर रेस्पेक्ट आप लोगों के लिए आ रही है उस इंसान के लिए। पर लेकिन रेस्पेक्ट नहीं है तो सारी चीजें जबरदस्ती में चलेंगी, और रेस्पेक्ट इंसान के द्वारा कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती, वो आती नहीं है, ठीक है। रेस्पेक्ट इंसान के द्वारा कुछ करके अचीव की जाती है, वो रेस्पेक्ट होती है। तो कोई भी इंसान धरती पर पैदा सब एक जैसे होते हैं, आप भी ऐसे पैदा हुए, मैं भी ऐसे पैदा हुआ, धरती पर आ तो गए, पर लेकिन आने के बाद में यहां से कौन किस तरीके की जिंदगी जीकर जा रहा है वो होता है रेस्पेक्ट की कैटेगरी में। तो ये कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर ही पूछी जाए, एथिक्स के अंदर भी क्वेश्चन बन जाए, इवन आप लोगों से जो कुछ लिखने के लिए भी आ जाए, तो ये वो पॉइंट होते हैं जो आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आ गई होगी, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर कुछ अवार्ड के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। यहां पर आशुतोष कुमार को पोस्टमसली यानी कि उनकी जो शहीद हो गए उसके बाद में उनको यहां पर अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो ये कई सारे अवार्ड के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। सूर्य चक्र, कीर्ति चक्र, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली अगर आप लोग बात करें यहां पर देखें, ये टोटल मिलाकर परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, सूर्य चक्र हो गया, ठीक है। तो ये चक्र जो दिए जा रहे हैं ये बेसिकली मिलिट्री कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, तो उसी तरीके से वो सिविलियन कैटेगरी में दिए जाते हैं, पर लेकिन यहां पर ये मिलिट्री कैटेगरी में दिए जाते हैं। पर लेकिन इनका भी एक डिविजन देखने को मिलेगा, जो गैलेंट्री अवार्ड यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं, तो एक तो अब वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड यानी कि युद्ध में गए वहां पर आप लोगों ने क्या परफॉर्मेंस दी उसके लिए जो अवार्ड दिया जा रहा है, दूसरा है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड यानी कि पीस टाइम पर आप लोगों ने कैसे चीजों को संभाला उस टाइम पर मिलिट्री के फील्ड में। तो गैलेंट्री जो अवार्ड है यहां पर ये इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर टॉप पर आता है परमवीर चक्र, ठीक है।
दूसरा महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। तो ये तीन जो गैलेंट्री अवार्ड है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में याद रखिएगा। अगर पीस टाइम में गैलेंट्री अवार्ड के बारे में बात करें तो अशोक चक्र हाईएस्ट है, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर खासकर आप लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं और आप लोगों से कोई पूछ ले इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में, कम से कम क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना कि हाँ आगे चलकर यार मुझे भी ना इनमें से कोई अवार्ड लेना है, ठीक है। उस तरीके से जैसे अगर सिविलियन फील्ड में आप लोग कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा करके जाओ कि आप लोगों को भारत रत्न मिल जाए, ठीक है, पद्म विभूषण मिल जाए, पद्म भूषण मिल जाए, या फिर कम से कम पद्म श्री मिल जाए, तो कुछ ऐसा करके जाओ देश के लिए, हाँ आप लोगों को भी यहां पर आने वाली जनरेशन जो है वो रिकॉग्नाइज करे। तो ये होता है रियलिटी में जीने का तरीका, ठीक है। तो यानी कि अपने लिए जिए तो जिए तो क्या जिए, दोनों के अपने लिए जिए तो क्या जिए, ठीक है। तो इंसान वही है जो सबके लिए जिए, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, ओके। बाकी यहां पर एक छोटी सी न्यूज है, 7.2 मैग्नीट्यूड का एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक अभी देखने को मिला हैती के अंदर। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आज आप लोगों का, हैती जाकर आप लोग देखिएगा कहां पर ये मैप में लोकेटेड है। 29 लोगों की जान यहां पर चली गई इस अर्थक्वेक की वजह से, तो काफी बड़ी दुर्घटना आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये एक तरीके से सुन रहे हैं कि तीन, अगर यहां पर चार पांच तक का भी अगर रहता है तो हिला देता है चीजों को, यानी कि इसने तो एकदम सारी बिल्डिंगें ढेर कर डाली काफी सारी। तो काफी खतरनाक एक मैग्नीट्यूड का भूकंप आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर अभी आप लोग को बताया, रायता फैलाने के बाद में रायते को समेटने की कोशिश की जा रही है यूएसए के द्वारा। अब यूएसए के द्वारा बोला गया कि 3000 तक का जो सोल्जर है वो यहां पर अभी पहुंच रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए। अब कितना नॉर्मल कर पाएंगे और कैसे नॉर्मल कर पाएंगे ये तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि तालिबान जो है ये बोला जा रहा है कि लगभग 50 किलोमीटर आसपास काबुल यानी कि जो कैपिटल है अफगानिस्तान की उसमें एंट्री कर चुके हैं और जल्दी ही काबुल भी उनके कंट्रोल में आएगी। और काबुल को बोलेंगे, जैसे नहीं बोलते कबूल है कबूल है कबूल है, तो काबुल है कबूल है कबूल है करता सामने नजर आएगा तालिबान के सामने। ऐसी कुछ घटना आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को यहाँ पर याद रखने है। क्वेश्चन भी बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। जाते जाते एक साइंस एंड टेक के अंदर एक छोटी सी मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज लगी, ये बेसिकली आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर बोला गया कि ब्रेन जो न्यूरल कनेक्टिविटी होती है वो म्यूजिकल जो रिदम बनाए जाते हैं ना, आजकल में कई सारी जो म्यूजिकल टोन देखते हैं, कई सारे गाने देखते हैं, कई सारे सॉन्ग्स आप लोगों ने सुने होंगे, किसी ने किसी का कोई ना कोई फेवरेट सॉन्ग होगा, तो कहीं ना कहीं ये न्यूरल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क की कनेक्टिविटी आप लोग, जैसे कि आप लोगों को कुछ चीजें मैंने पढ़ाई, वो चीजें मैंने कुछ तो यहाँ पर पढ़ा दी, मान लीजिए कुछ नैनो मैगजीन वाले जो वीडियो आती है शाम को उसके अंदर मैंने पढ़ा दी, आप लोगों को फिर से मैंने आप लोगों का रिविजन करने के लिए एक रिविजन की वीडियो बना दी, कुछ रिविजन आप लोगों ने कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से न्यूरल नेटवर्क की कनेक्टिविटी आप लोगों की बनती चली जाती है, जिसके चलते आप लोग उसको याद रख पाते हैं। तो अगर जितनी बार आप लोग रिविजन करते हैं उतना ही ज्यादा न्यूरल नेटवर्क जो है आप लोगों का स्ट्रांग होता है, जिससे आप लोगों की याद रखने की क्षमता भी बढ़ती है। ये सारी चीजें आप लोगों की लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम लोग उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते तो उस नेटवर्क को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तो इसके चलते कई सारी चीजें आप लोग फिर भूल भी जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग अगर रिवीजन करते रहा कीजिए, अभी जो रिवीजन की वीडियो आएगी उसको भी आप लोग देखना, बाकी पुरानी अगर नहीं देखी है एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर कर लेना, जो भी आप लोगों को जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोगों ने ये लेक्चर जो है वो एंजॉय किया होगा। बाकी ये दो वीडियो आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलती है, और ये लेक्चर देखने के बाद में अगर आप लोगों को लगता है कि पीडीएफ चाहिए यार इसकी, तो मुझे तो यहां से जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी, इसको जाकर आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा, ठीक है। इसी के साथ में अच्छे से आज का दिन सेलिब्रेट करना, काफी इंपॉर्टेंट डे है यार, किसी के द्वारा अपनी जान की आहुति देकर ये दिन आप लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका दिया है, तो इसको शानदार तरीके से सेलिब्रेट करना है। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर, आप लोग यहां पर 10 में से इसको यहां पर स्कोर कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को 5 सेकंड लगेंगे इसको स्कोर करने के लिए। बाकी अगर लगता है कुछ नया सीखा है तो दूसरों तक जरूर ये चीजें पहुंचाइए, खासकर ये खुशियां बांटने से बढ़ती है, तो आपके आसपास में अच्छा माहौल रहेगा, ये चीजें आप लोगों ने सीखी है, पढ़ा भी सकते हैं किसी ने किसी को। तो बोलते ना ये कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल, मैं आप लोगों को अगर पढ़ाता हूं तो मैं कुछ लूज नहीं कर रहा हूं, मैं और कुछ चीजें सीख रहा हूं यहां पर, आप लोग भी इसी तरीके से काफी कुछ सीख पाएंगे। आप लोगों को लगता है कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को पब्लिकली शेयर नहीं कर पाते, प्राइवेटली आप लोगों को शेयर करनी है तो studylovervir@gmail.com पर आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो, तब तक के लिए जय हिंद। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू अगेन।